Now let us try to start the next problem. That is our max min. अब कहता है कि max min problem है that we are given a list of n numbers and random numbers there. Random numbers given है, ठीक है? Maybe 3, 5, 50, then 16, then 7, then 1, then 9. Then अब करना क्या है, कहता है इस लिस्ट में से आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्स, मैक्सिमम नंबर एंड वैल्यू ऑफ मिनिमम. आई नीड टू प्रिंट, आई नीड टू स्टोर दीज टू. सो दिस इज आवर मैक्स मिन प्रॉब्लम. ओके, अब मैक्स मिन के लिए जो सिंपलेस्ट ऑफ द एल्गोरिथम जो हमारे सबके दिमाग में होता है, दैट इज कि एक एल्गोरिथम लिया मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, इसका नाम रखा स्ट्रेट मैक्स मिन. आर्ग्यूमेंट पास किए ए एरे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्स और मिन, इनिशियली दे में भी एनीथिंग. फाइन, तो पहले केस में क्या किया, मैक्स इज इक्वल टू मिन इज इक्वल टू एफ वन, फर्स्ट एलिमेंट को क्या डिक्लेयर कर दिया, इसी को मैक्स माना और इसी को क्या माना, मिन माना. डन. और उसके बाद क्या किया, टू टू एन एक लूप चलाया, फर्स्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, इफ इट वॉज ग्रेटर देन वी नीड टू मॉडिफाई द मैक्स वैल्यू, इफ इट वॉज लेसर देन वी नीड टू मॉडिफाई द मिन वैल्यू. फाइन, तो वही किया इसने, इफ ए आई वॉज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स विल बिकम द ए आई, एंड इफ ए आई वॉज लेस देन मिन देन मिन विल बिकम ए ऑफ आई. डन. द सिंपलेस्ट और यू कैन से द नेव एल्गोरिथम. डन. ये एल्गोरिथम सबको क्लियर है? यस नो? यस यस नो सर, बेटे? क्लियर. ओके. अब कहता है नाउ ट्राई टू डिस्कस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करो. कहता है व्हाइल डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्सिटी वी नीड टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें काउंट करने हैं, कंपैरिजन ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं उसके अंदर, वो काउंट करने हैं. ओके, तो इस वाले केस में देख लो कि इसका बेस्ट केस क्या होना है, बताओ. बेस्ट केस ऑफ दिस, व्हेन द लिस्ट इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मींस 1, 2, 4, 6 एंड 9. तो इसमें केस में क्या होना है कि इसने मैक्स और मिन को दोनों का क्या किया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया. ये इसका बेस्ट केस होगा नहीं, पहले तो ये बताओ. पहले तो इसके जो अभी अभी एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया है इसको छोड़ दो बेटे, ये जो मैंने अभी बोला है जस्ट लिव दिस. बिफोर दिस वी नीड टू फाइंड आवर सेल्फ व्हाट एग्जैक्टली आर गोइंग टू बी इट्स बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस. बताओ बेटे क्या होने वाले हैं इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होने वाला है, देख लो एक बार ध्यान से. ये वाला कंपैरिजन तो ये हमेशा ही करने वाला है, ये वाला कंपैरिजन भी ये हमेशा ही करने वाला है. यस नो? तो इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, सभी केस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी है, 2 × (n-1) होनी है. यस नो? सोच के बताओ सभी लोग. देखो ना, ये (n-1) टाइम्स तो चल रही है और दोनों स्टेटमेंट चलेंगी ये हमारी. कोई डाउट है बेटे इसमें? तो कहता है इस वाले एल्गोरिथम की तो तीनों केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2(n-1) ही होने वाली है. अब कहता है कि वी कैन जस्ट मॉडिफाई अ लिटिल बिट, मेक सर्टन मॉडिफिकेशंस, वी कैन इम्प्रूव दिस 2(n-1) फॉर सम केसेस. अब वो कहता है वो मॉडिफिकेशंस क्या है, वो कहता है मॉडिफिकेशंस ये है नीचे, ये जो आपके सामने लिखी हुई है. क्या कहता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स की बजाय क्या करो, एक सिंगल स्टेटमेंट लिखो, इफ ए आई वॉज ग्रेटर देन मैक्स देन वी नीड टू मॉडिफाई मैक्स, एल्स कहता है इफ इट वॉज नॉट ग्रेटर देन वी नीड टू गो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ मिन. ऑल इन ऑल कहता क्या है, फॉर ईच कंपैरिजन ओनली मैक्स और मिन, और यू कैन से दैट वन आउट ऑफ देम इज गोइंग टू बी चेंज्ड. तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसने ये लिख दिया एक सिंगल स्टेटमेंट. डन. अब कहते हैं इस नए वाले जो एल्गोरिथम बनेगा इसके जो मुझे तीनों केसेस स्टडी करने हैं कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस. बेस्ट केस कब होगा, कहता है जब लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगी. इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या मतलब, मेरी लिस्ट है 1, 2, 4, 6 एंड 9. डन. तो कहता है सबसे पहले क्या हुआ, 1 को इसने मैक्स माना, 1 को ही मिन माना. डन. उसके बाद इसने एक लूप चलाया ये वाला, फोर आई इज इक्वल टू 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 एन,
लूप चलाया फोर आई इज इक्वल टू 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 एन, ये इसने एक लूप चलाया। अब कहता है ये लूप चलाते इसको क्या मिलेगा, हर एक बार ये वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाइड मिलेगी, यस नो, तो इस सेकंड वाली में जाएगा ही नहीं है, ट्रू फॉल्स। देखो ना बेटे, जब लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो इसमें जाएगा हर एक बार, जब इसमें जाएगा हर एक बार तो इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर की होने वाली है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन माइनस वन होने वाली है, यस नो बेटे। यस अब सर, इसका वर्स्ट केस क्या हो, हाँ जी बेटे ठीक है, अब इसकी वर्स्ट केस की बात करो। अब कहता है वर्स्ट केस में लिस्ट मेरी इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, 9, 6, 4, 2 एंड 1। अब कहता है कि 9 को मैक्स माना था, 9 को मिन माना था। अब कहता है इसने इससे कंपेयर किया, ओके तो ये वाली क्या कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन इफ ए आई वाज ग्रेटर देन मैक्स, तो ये तो फॉल्स होगी, इसका मतलब एल्स में जाएगा और एल्स में भी हर एक बार जाएगा, यस नो, हर एक बार एल्स में जाएगा, इसका मतलब एक कंपैरिजन ये हुआ, एक कंपैरिजन ये हुआ, इट्स वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 इनटू n माइनस 1। फाइन, नाउ मूव टू द एवरेज केस। एवरेज केस में क्या कहता है, कहता है हाफ ऑफ द लिस्ट वाज सच दैट इट वॉज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड हाफ ऑफ द लिस्ट वॉज सच दैट इट वॉज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कहता है इस तरीके की जो लिस्ट है, अब कहता है जब इस तरीके की लिस्ट है तो आधे जो एलिमेंट्स हैं उनमें टाइम कितने वाला लगने वाला है, कितना लगने वाला है, आधे में एन माइनस वन अपॉन टू फर्स्ट हाफ में लगने वाला है, सेकेंड हाफ में कितने लगने वाला है बोलो, सेकेंड हाफ में 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 कितना टाइम लगने वाला है, दोनों को सॉल्व करके देखो, एन माइनस वन कॉमन ले लो और अंतर क्या बच गया आपका, कितना बचा बोलो, एन माइनस वन अपॉन टू कॉमन ले लो ना इनसे, तो कितना बचा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 अपॉन 2 n माइनस 1, डन, तो कितना हो गया 3 अपॉन 2 n माइनस 3 अपॉन 2, तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हुई इसकी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी हुई, डन। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, 3 अपॉन 2 n माइनस 3 अपॉन 2, इजंट इट, इज देयर एनी क्वेश्चन और डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज फील फ्री टू आस्क, यस नो, सर अगर एग्जाम में ओके बेटे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट टू थिंक अबाउट ए सॉल्यूशन ऑफ योर मैक्स मिन प्रॉब्लम, मैक्स मिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना है यूजिंग योर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। कहता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से इसका सॉल्यूशन दैट इज जस्ट अ कॉपी और द मिमिक ऑफ योर मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का ही एक मिमिक एल्गोरिथम है। कहता है मर्ज सॉर्ट की टर्म्स में ही हमें सोचना है, सपोज कहता है क्या है कि मेरे पास लिस्ट थी अगेन 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, कहता है ये मेरे पास 8 एलिमेंट्स थे, सो एन वाज इक्वल टू 8, डन। तो कहता है जस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस ट्राई टू डिवाइड दिस लिस्ट इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में किसमें डिवाइड किया, 7, 3, 4 एंड 1, सेकेंड पार्ट क्या हुआ, 5, 2, 8 एंड 6, ओके। जब कहता है ये डिवीजन हुई तो इस केस में कहता है और आगे इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 7 एंड 3 की एक लिस्ट बनी और 4 और 1 की एक लिस्ट बनी, ऐसे ही 5 और 2 की एक लिस्ट बनी, ऐसे ही 8 और 6 की टू लिस्ट बनी, दूसरी वाली लिस्ट। अब कहता है यहां पर कौन सी लिस्ट में जाना है, टिल योर लिस्ट कंटेन्स 1 और 2 एलिमेंट्स, कहता तब तक हमें इसको डिवाइड करते हुए चले जाना, एक एलिमेंट कंटेन करे या दो एलिमेंट कंटेन करे। दो एलिमेंट्स का क्या लॉजिक है, क्योंकि कहता है हम प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, मैक्स और मिन, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट केस कौन सा बनने वाला है, द स्मॉलेस्ट केस फॉर मैक्स मिन प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द लिस्ट इज हैविंग हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट मेरा 7 है और एक एलिमेंट 7 और एक एलिमेंट 3 है, कहते हैं इन दोनों को कंपेयर कर लो, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 3,
It means out of this list, maximum value is going to be 7 and minimum value is going to be 3. Means the easily solvable problem ki form mein humne isko divide kar diya. Wo easily solvable form kya hai? Till the list contains two elements or even single elements. Yadi single elements hota, suppose 7 hi hota isme, to hum kya mante? Max ko bhi 7 mante aur min ko bhi kya mante? 7 mante. To kehta hai single element hai ya two elements ho, hume wahan tak usko divide kar. Done. To kehta hai ye 7 aur 3 ki list mein se maine kya kiya? Max बोला इसको 7 और ऐसे ही मीन मैंने इसको बोला 3. ऐसे कहता है इसके राइट साइड भी एक लिस्ट पड़ी है उसमें से क्या बोला इसने वेरिएबल्स को नया नाम दे दिया मैक्स 1 इज इक्वल टू 4 और मीन 1 इज इक्वल टू 1 दोनों को कंपेयर किया ओके अब कहता है कि इस वाले रूट पर ये रिटर्न हो गया यहां पर अब कहता है इसके मैक्स को मैक्स 1 से कंपेयर करो इसके मीन को इसके मीन 1 से कंपेयर करो तो हमारे पास क्या होने वाला है इस चार एलिमेंट्स की लिस्ट में से किसकी वैल्यू आएगी मैक्स की वैल्यू आएगी और मेरे पास मीन की वैल्यू आएगी डन तो क्या होने वाली है इस मैक्स को मैक्स 1 से कंपेयर किया तो वैल्यू इज इक्वल टू 7 इस मीन को मीन 1 से कंपेयर किया वैल्यू इज इक्वल टू 1 डन तो इसका मतलब ये हमने लिस्ट कौन सी सॉल्व कर ली लिस्ट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स ऐसे ही ये इसको रिटर्न हुआ तो मैक्स क्या 5 और मीन क्या इज इक्वल टू 2 इसको सॉल्व किया मैक्स 1 क्या इज इक्वल टू 8 मीन 1 क्या इज इक्वल टू 6 डन इसको रिटर्न कर दिया इसको रिटर्न कर दिया इसके मैक्स को इससे कंपेयर किया इसके मीन को इससे कंपेयर किया तो आगे क्या वैल्यूज आ जानी है मैक्स 1 इज इक्वल टू कितना 8 और मीन 1 इज इक्वल टू कितना 2 डन कहता है ये चार एलिमेंट्स की लिस्ट में से निकल आए मैक्स मीन ये वाली चार एलिमेंट्स से निकल आए अब कहता है इसके मैक्स को अब क्या करो इसको रिटर्न करो इसको रिटर्न करो इसके मैक्स को इससे कंपेयर करो इसके मीन को इससे कंपेयर करो क्या हो जाना है मैक्स इज इक्वल टू 8 और मीन इज इक्वल टू कितना बोलो 1 तो कहता है इस तरीके से पूरी लिस्ट में से हमने क्या एन एलिमेंट्स वाली लिस्ट में से सॉल्व करके क्या निकाल लिया मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज सो दिस इज द डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड सॉल्यूशन टू योर मैक्स मिन प्रॉब्लम किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लो कि कैसे हुआ एनी क्वेश्चन डिवीजन करते रहो ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ योर मार्क सॉर्ट वंस द लिस्ट कंटेनिंग वन और टू एलिमेंट्स रीचेस सॉल्व देम एंड रिटर्न द रिजल्ट बैक टू द इट्स पेरेंट At the parent level, again, there will be two lists. Compare maximum of first list to the maximum of second list. Extract the single maximum. Compare the minimum from the first list to the minimum of the second list and extract the second minimum. Okay, continue till we reaches to the root containing n elements. And in this way, we are going to get the value of maximum and minimum out of n loops fine bete so this is the algorithm for this concept hai ek procedure hai ab kehta hai ki ye mere paas koi list thi is list ke liye kya karna hai mujhe is tarike ka tree generate kar lena hai tree bete kar loge generate sabhi log yes no pehle wali list iske liye kya hai aapka low is equal to 1 hai एंड हाई इज इक्वल टू 9 है डन पहले वाली जो कॉल होनी है एल्गोरिथम की वो 1 और 9 के साथ कॉल होनी है दो लिस्ट बननी है पहली लिस्ट कौन सी लो टू मिड 1 टू 5 दूसरी लिस्ट मिड प्लस 1 टू हाई ऐसे ही नेक्स्ट वाली लिस्ट अगेन लो टू मिड इसके राइट वाली लिस्ट अगेन 4 टू 5 नेक्स्ट वाली लिस्ट 6 प्लस 9 15 14 मींस 7 तो 6 एंड 7 और नेक्स्ट वाली कॉल किसके साथ 8 एंड 9 ये दो एलिमेंट्स कंटेन करती है ये दो एलिमेंट्स कंटेन कर सकती है ये दो एलिमेंट कंटेन करती है ये तीन करती है तो इसको और डिवाइड कर दो मींस 1 टू 2 एंड 3 टू 3 तो कहता है ये एलिमेंट्स बचे आपके इनको एलिमेंट्स की वैल्यूज पुट कर दो 1 और 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कोशिश करो बेटे 1 और 2 एलिमेंट और कौन सा है देख लो लिस्ट को कौन सा एलिमेंट्स है तो हमारे पास 22 और 13 है यहाँ पर क्या है -5 है सिंगल ही एलिमेंट है
तो यहां से मैक्स और मीन दोनों की वैल्यू -5 ही होने वाली है, इसको रिटर्न कर दो। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 22 और मिनिमम 23, इसको रिटर्न कर दो। इन दोनों को कंपेयर करो तो इसको क्या रहेगा, एक मैक्स की वैल्यू कितनी आ जानी है इज इक्वल टू 22 और मिन की वैल्यू क्या आ जानी है इज इक्वल टू -5। ऐसे ही 4 और 5 यहां पर आएगा, -8 और 15, इन दोनों में से एक मैक्सिमम निकाल लो एक मिनिमम, यहां पर ले जाओ। मैक्स की वैल्यू कितनी है 15 होने वाली है, मिन की वैल्यू कितनी होने वाली है -8। इसके मैक्सिमम को इसके मैक्सिमम से कंपेयर करो, इसके मिनिमम को इससे कंपेयर करो, तो मैक्सिमम कितना होने वाला है इज इक्वल टू 22, मिनिमम कितना होने वाला है इज इक्वल टू -8। और ऐसे ही कहता है ये वाली ब्रांच उठ के आएगी इधर, जब यहां से मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगी तो इन दोनों को कंपेयर कर लेना, फाइनली हमारे पास ये एलिमेंट्स निकल पड़ा। डन। अब कहता है इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं एक बार, एल्गोरिथम कैसे बनेगा। ये इसने इसकी बेटे कॉल्स बताई हैं जो मैंने अभी भी ड्रॉ किया है ना आपके लिए, उसने दोनों को कंबाइन करके बता दिया है। ये वाले कौन से, फर्स्ट ये वाले जो वैल्यूज हैं ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन से, एरे के इंडेक्स के, लोअर हाई वाले, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं। और ये वाले कौन से हैं, ये इसकी वैल्यूज हैं 22 और 13 जो मैंने अभी अभी निकाल के बताई, -5 और 5, तो बीच में -22 और -5 रिजल्ट आए। डन। ये बेटे आप खुद से बनाने की कोशिश करना, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। नाउ कम टू इट्स एल्गोरिथम, ट्राई टू गेट इट। पहले में क्या हुआ, एल्गोरिथम आया। हाँ बेटे, यहां से एल्गोरिथम शुरू हुआ तो कहता आई जे और मैक्स और मिन। आई और जे क्या है यहां पर, आई मीन्स लो, जे मीन्स हाई, ठीक है। लो और हाई लेकर चलोगे तब भी हो जाएगा जो हमने मर्ज सॉर्ट में कंसिडर किया था। आई और जे कहता है इफ आई इज इक्वल टू जे और मीन्स द लिस्ट इज स्मॉलेस्ट इनफ, स्मॉलर इनफ, ये वाला जो फंक्शन था, तो कहता है उस केस में मैक्सिमम भी सेम होने वाला है, मिनिमम भी सेम होने वाला है, वो वैल्यू सेम रहने वाली है सिंगल। दूसरा केस किसके लिए है, व्हेन लिस्ट कंटेन्स टू एलिमेंट्स कंटेन करती है, टू एलिमेंट्स कंटेन करती है तो एक उसमें से मैक्स होने वाला है, एक उनमें से मिन होने वाला है, दोनों को कंपेयर करो ए और बी को, तो ए क्या निकलेगा, मैक्स निकलेगा इफ इट इज ट्रू, और बी क्या निकलेगा इज इक्वल टू मिन निकलेगा, वही काम इसने किया। कहता है कि इफ ए आई इज लेस देन ए जे देन मैक्स इज इक्वल टू ए जे मिन इज इक्वल टू ए आई, एल्स इट्स रिवर्स। फाइन, तो ये दो एलिमेंट्स वाले लिस्ट से इसने कंपैरिजन करके रिजल्ट्स निकाला। अब कहता है कि लिस्ट में एक एलिमेंट भी नहीं है, दो एलिमेंट भी नहीं है, तो किस में चले जाना है, एल्स में चले जाना है, मूव टू द एल्स पार्ट। इफ वी मूव टू द एल्स पार्ट देन इट सेज दैट वी नीड टू डिवाइड द लिस्ट। डिवाइड किस पैरामीटर पे करेंगे, मिड के, मिड इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन टू। फाइन, तो पहले वाली जो कॉल हुई वो मैक्स मिन और आई टू मिड तक की हुई, दूसरी कॉल किससे हुई, मैक्स मिन की कॉल हुई मिड प्लस वन टू जे। बेटे सेम कॉल्स हैं, सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं एज दैट ऑफ योर मर्ज सॉर्ट, कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटे इसमें, तो सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं। कहता है लेफ्ट वाली लिस्ट ने मैक्स और मिन रिजल्ट किया, राइट वाली लिस्ट ने मैक्स वन और मिन वन रिटर्न किया। अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, इस मैक्स को इस मैक्स वन से कंपेयर करना है, इस मिन को इस मिन वन से कंपेयर करना है, तो दोनों में यदि मैक्स वन इज ग्रेटर देन मैक्स तो न्यू मैक्स क्या होने वाला है, मैक्स वन होने वाला है, यदि उससे स्मॉलर है तो वो मिन वन होने वाला है। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक बिहाइंड योर मैक्स मिन एल्गोरिथम, 90% सेम एज दैट ऑफ योर मार्च सॉर्ट, देयर इज ओनली ए डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड रिकॉम्बिनेशन। फाइन, यहां पर हम रिकम्बाइन कुछ नहीं कर रहे बेटे, खाली हम दो आर्ग्यूमेंट्स ऊपर से ऊपर हर एक लेवल पे पास कर। डन। ओके, नाउ मूव टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। और कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या देखा, एक एन साइज की प्रॉब्लम थी, सो टाइम होने वाला है नेक्स्ट वीक। कोई बात नहीं बेटे, लास्ट 2 मिनट्स हैं, जिसको थोड़ी जल्दी है में लीव। हाँ, तो एन साइज की लिस्ट थी, एन अपॉन टू, एन अपॉन टू में डिवाइड हुई, फिर एन अपॉन फोर और एन अपॉन फोर में डिवाइड हुई, फिर एन अपॉन फोर और एन अपॉन फोर में डिवाइड हुई, एंड सो ऑन। डन। तो ये वाली जो दो पार्ट्स हैं ये अपने आप में रिकर्सिव है, तो ये इसने दोनों रिकर्सिव पार्ट लिखे बेटे। डन। ये इसने दोनों रिकर्सिव पार्ट्स लिखे। अब कहता है रिकर्सिव पार्ट्स के बाद इसने क्या बोला कि व्हेन लिस्ट कंटेन वन एलिमेंट एंड व्हेन लिस्ट कंटेन योर टू एलिमेंट्स। अब कहता है जब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट था तो तब क्या हो रहा था, जब लिस्ट में मेरा सिंगल ही एलिमेंट था तो तब क्या हो रहा था, देख के बताओ कि
कितने एग्जैक्ट कंपैरिजंस कितने लग रहे थे जब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट था, ये वाला देखो, सॉरी ये, जब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट था तो क्या हो रहा था, वन, जब लिस्ट में मेरे टू एलिमेंट थे तो क्या हो रहा था, वन एंड टू टू है? इसने थोड़ा सा और उसको बेटे मॉडिफाई किया, कहता है कि हमें नंबर ऑफ कंपेरिजन ही मार्क करने हैं, तो कहता है जब लिस्ट में मेरा सिंगल एलिमेंट था, इफ आई इज इक्वल टू जे, ये डिनोट कर रहा ना, ये कहता है जब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट था तो इसके अंदर आगे जाके कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेशन हुआ, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, इट मींस नंबर ऑफ कंपैरिजन बिकम्स जीरो। ओके, जब कहता है लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट थे तब कितने कंपेरिजन हुई, कहता है या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा, तो कंपेरिजन तो ऑल इन ऑल क्या हुआ, एक ही हुआ ना, इफ दिस इज ट्रू। अब else के आगे if कहीं होता तो मैं दो comparison करता, तो comparison क्या हुआ, खाली एक comparison हुआ। तो कहता है ये इसने recurrence relation लिखी है बेटे इसके लिए, t of n is equal to two recursive parts plus two। अब ये two किसके लिए है, देखो एक बार इसे find out करके किसके लिए है, इसके else में आया था ये, done when the list was containing more than two elements, तो इसके अंदर एक comparison ये हुआ, एक comparison ये हुआ, तो ये इसके लिए two है। तो कहता है ये इसने रेकरेंस रिलेशन इसके लिए लिखी, दैट t of n is equal to 2 recursive part plus f of n when n was equal to greater than 2 is equal to 1 was when n was equal to 2 is equal to 0 when n was equal to 1। डन, अब कहता है इसको they try to solve it using your iterative substitution method, बट ये सबको सॉल्व करनी है, हम काफी सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर चुके हैं, हम खाली फाइनल रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, इज इक्वल टू 3n-2 डिवाइड एंड कॉन्कर से जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल इक्वेशन आई 3n/2-2 निकल कर आई सभी केसेस के लिए। ठीक है, अब जो पुराने वाला केस एक बार डिस्कस कर लो, पुराने वाले केस में मेरा एक बेस्ट केस था, एक मेरा एवरेज केस था, एक मेरा वर्स्ट केस था। वर्स्ट केस के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी, 2 × n-1 लग रही थी, बेस्ट केस के लिए कितनी लग रही थी, n-1 लग रही थी, और एवरेज केस के लिए हमने कितने डिवाइस की थी, सोच के बताओ कितने डिवाइस की थी हमने एवरेज केस के लिए, अरे देखो ना एवरेज केस कितना आया था कॉम्प्लेक्सिटी 3n/2-3/2 कितनी 3n/2-3/2 ये एवरेज केस के लिए थी। अब कहता है कि इन तीनों केसेस को इसके साथ कंपेयर करो बेटे, डन। अब कहता है कि इन दोनों में वर्स्ट केस और इसमें, इन दोनों में कौन सा बेटर है, देखकर बताओ कौन सा बेटर है, विच वन इज बेटर, अरे इतना मुश्किल थोड़ा बेटे, कौन सा बेटर है इन दोनों में, 3n-1 ये बेटर है, ऐसे ही इसको इससे कंपेयर करके देखो इनमें से कौन सा बेटर है, देखो इसमें से 1.5- हो रहा है, इसमें से 2- हो रहा है, कौन सा बेटर है, यही वाला बेटर है ना, यस नो, देखो ना ये 1.5 है। अब कहते हैं लास्ट में इससे ही कंपेयर कर लो, कहते हैं बेस्ट केस इसका बेटर है, बेस्ट केस इसका बेटर है, लेकिन कहते हैं हमें जो ज्यादातर हमारी जो इंप्रूवमेंट्स रहती है वो किस में रहती है, वर्स्ट केस में रहती है, हम हमेशा वर्स्ट केस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो इन द वर्स्ट केस और इन द एवरेज केस द एल्गोरिथम बेस्ड अपॉन आवर डिवाइडेड कंकर अप्रोच इज परफॉर्मिंग बेटर देन द नेव एल्गोरिथम, इट मींस द एल्गोरिथम डिजाइन मेथडोलॉजी डिवाइड एंड कंकर इज प्रूविंग और यू कैन से जनरेटिंग द फ्रूट्स फॉर अस। ओके, सो दैट्स इट, वी कंप्लीटेड टू प्रॉब्लम्स, all those who are not having any question may leave, others may stay, that's it।